हेलो भाइयों, मैं बेताल स्वागत करता हूं आपका अपनी एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं होंडा की तरफ से आने वाला स्कूटर, जो कि आप देख सकते हैं यहां पे है। और अगर स्कूटर की बात की जाए तो जैसे कि नॉर्मल आपने यार ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। जैसे अगर दिखाऊँ क्या बोले, मतलब की बोले तो स्मार्ट की। और ये जो स्कूटर है जैसे फोर व्हीलर वगैरह में होता है कीलेस एंट्री वगैरह, तो इसमें आपको सभी कुछ वही देखने को मिल जाता है। नॉर्मल अगर अंदर से इसके इंटीरियर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की नोब वगैरह देखने को मिलती है। और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ हमें बैजिंग देखने को मिल जाती है एक्टिवा एच स्मार्ट, जो कि आप देख सकते हैं। मतलब इसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। अगर मेनली अगर बात की जाए यहाँ पर आपको जो हेडलाइट इसकी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको LED लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। और इंडिकेटर में आपको वही पुराना हैलोजन लाइट का सेटअप ऑफर किया गया। जैसे कि इसके कलर की अगर बात की जाए तो यार ये मुझे तो देखिए इसमें आते हैं यार अलग अलग कलर, समथिंग अगर बात की जाए इसमें समथिंग 7-8 कलर आते होंगे। और ये जो कलर है ये आपको देखने को मिलता है ब्लू कलर, नहीं मतलब 10 कलर इसमें आते हैं। और अगर बात की जाए ये शायद पर्ल ब्लू है या मतलब रॉयल ब्लू वगैरह ऐसा ही कुछ ब्लू है, कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्टिवा 6G की बैजिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो स्टीकर नॉर्मल लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे अगर आप इसके साइड कॉल पे देखेंगे यहाँ पे आपको कोई भी बैजिंग नहीं मिलती, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्टिवा एच स्मार्ट की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और अगर शॉर्ट में अगर बात की जाए, ये जो आप इसका ग्रिल वगैरह देख रहे हैं ये जो इधर लगा हुआ साइड से सेफ्टी वाइज, बाकी यहाँ पे आपको बाहर थोड़ा ग्रिल वगैरह देखने को मिलता है, ये सब आपको एसेसरीज का पार्ट है। ये मतलब आप तब लेंगे जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, नहीं तो नॉर्मल आपको स्कूटी कुछ देखने को मिलती है। जैसे कि अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल स्कूटी खड़ी हुई है, बाकी वो जो खड़ी है उसमें आपको थोड़ा एसेसरीज लगी हुई है, तो इसका आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो आज इस वीडियो में आपको देखेंगे इसी स्कूटर को, जो कि आप देख सकते हैं होंडा की तरफ से आता है। और यहाँ पे अगर बोलें तो की बोले तो स्मार्ट की विद एच स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर आपको मतलब सभी कुछ देखने को मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में टोटल इसी स्कूटर का रिव्यू करेंगे। मतलब स्कूटर के यार कुछ लोग स्कूटी बोलते हैं, नॉर्मल हम तो स्कूटर ही बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें काउल ऑफर किया गया है। बाकी यहाँ पे हमें कुछ अगर टेल लाइट की बात की जाए, मतलब सॉरी हेडलाइट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे हमें हेडलाइट कुछ ऐसी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको इसकी हेडलाइट में LED लाइट का सेटअप देखने को मिलता है, यहाँ पर इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडिकेटर में हमें हैलोजन लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। और रही बात LED की, तो LED हमें जो भी जिस कलर की मिलती है मतलब वाइट कलर में देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है होंडा का लोगो। और जैसे यार बताऊँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा रोड नॉइज़ वगैरह आती रहती है, बाइक वगैरह या कार्स वगैरह निकलती रहती हैं, तो यार वीडियो को थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा जब तक बना रहा हूँ। एक दो दिन में माइक वगैरह की व्यवस्था कर लेंगे, तो थोड़ा देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसी आती कैसी नहीं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है होंडा का लोगो। और यहाँ पर आपको मिलती है नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। यहाँ पर आपको थोड़ा क्रोम का वर्क देखने को मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश। बाकी यहाँ पर आपको मैट ब्लैक ऑफर किया गया है, इस तरफ और उस तरफ आपको सेम एक सा देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए इसके मटगार्ड की, तो मटगार्ड हमें सेम बॉडी कलर में देखने को मिल जाता है, मतलब जिस कलर की स्कूटर है उसी कलर में आपको इसका मटगार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा एसेसरीज का पार्ट देखने को मिलता है। दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर ऑफर किए गए हैं, रिफ्लेक्टर जैसे कि अगर दिखाऊँ इधर और उधर दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर टायर प्रोफाइल की बात की जाए, तो इस स्कूटर में आपको MRF के टायर ऑफर किए गए हैं। टायर साइज की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपको 90x90 आर 12 इंचज़ के मतलब टायर ऑफर किए गए हैं विद अलॉय व्हील्स के साथ। अलॉय व्हील्स भी आपको थोड़ा ग्रेस कलर में देखने को मिल जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं टायर। यहाँ पे आपको MRF के नायलॉन के ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो होगी इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात। और अगर बात की जाए इसकी साइड प्रोफाइल की, तो साइड से आप जब देखेंगे तो साइड से भी देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर जो आपको कॉल देखने को मिलता है, ये सब आपको बॉडी कलर में ऑफर किया है। जैसे यहाँ पे हम लोग थे मटगार्ड पे, तो मटगार्ड आपको आगे की तरफ तो ये देखने को मिलता है, पीछे की तरफ आपको बॉडी कलर में देखने को मिलता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको मैट ब्लैक देखने को मिलता है। और अगर इस साइड की बात की जाए, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल कितना कुछ स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप आराम से बैठ के इसको ड्राइव कर पाएंगे। मतलब ये भी जो भी कुछ इसमें थोड़े सेंसर वगैरह, वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे हमें साइड कॉल पे एक्टिवा का लोगो देखने, मतलब एक्टिवा का स्टिकर देखने को मिल जाता है सिल्वर फिनिश में। यहाँ पे हमें देखने को मिलती है एच स्मार्ट की बैजिंग। ये जो आप देख रहे हैं एसेसरीज का पार्ट है, जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इसका फुटरेस्ट कुछ इस तरह का, और मतलब दोनों तरफ आपको फुटरेस्ट ऑफर किया गया। जैसे जो बंदा पीछे बैठा वो आराम से पैर रख पाएगा। एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, नीचे की तरफ आपको इसका एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। बाकी एग्जॉस्ट का साउंड वगैरह भी मैं आपको सुनाऊंगा।
और अगर बात की जाए इसके रियर साइड की तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। और ग्रैब हैंडल की अगर बात की जाए तो ग्रैब हैंडल हमें कुछ सिल्वर फिनिश में देखने को मिल जाए, मतलब काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये जो आप देख रहे हैं सब एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पे आपको टेल लाइट इस तरह की देखने को मिल जाती है। इसकी टेल लाइट में हमें हैलोजन का सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके इंडिकेटर, इंडिकेटर में भी हमें हैलोजन लाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है। इसी के नीचे में देखने को मिलता है इसका रिफ्लेक्टर, और ये रही नंबर प्लेट की पेसिंग। ये रहा इसका रियर मटका, हमें मैट ब्लैक फिनिश में ऑफर किया गया। और अगर इस साइड की बात की जाए तो इस साइड में हमें सेम टू सेम जैसे मैंने उस तरफ चीज़ें दिखाई थी, यहाँ पे भी हमें वही चीज़ें ऑफर की गई। यहाँ पे आपको एक्टिवा का लोगो, यहाँ पे हमें एच स्मार्ट जो कि आप देख सकते हैं ब्लू फिनिश में देखने को मिलता है। और इस तरफ तो आपको देखने को मिलता है होंडा का लोगो, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टीएसपी टेक्नोलॉजी जो भी है इसमें। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया था फुट रेस्ट कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और अभी जैसे कि ये स्कूटर खड़ा हुआ है यहाँ पे हमें मेन स्टैंड पे, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसका साइड स्टैंड। उसकी अगर बात की जाए इस स्कूटर में आपको किक ऑफर नहीं की गई है, नॉर्मल वाला वेरिएंट है। बाकी मैं अभी मालूम करूँगा कि स्कूटर में किक आती है या इस वेरिएंट में नहीं है, या एक्स वाई जेड आपको और किसी वेरिएंट में आपको देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्यूल टैंक, कि यहाँ पर आप ओपन कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको E20 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। 2023 में आपको सारी बाइक्स एंड स्कूटर में E20 फ्यूल देखने को मिलता है। बाकी इस बारे में तो आप सभी जानते हो, इसमें आपको इथेनॉल का भी यूज़ कर पाएंगे। जैसे इसमें आपको 20% इथेनॉल और 80% आपका फ्यूल मतलब पेट्रोल का यूज होता है। तो इस वजह से स्कूटर या बाइक्स आपको एवरेज वगैरह भी काफ़ी प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे ऑल ओवर जैसे कि रिव्यू मैंने बता दी कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बोले तो स्मार्ट की विद एच स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर हमें स्मार्ट सेफ, स्मार्ट फाइंड, स्मार्ट स्टार्ट, स्मार्ट अनलॉक वगैरह ये सब हमें देखने को मिलता है। बाकी मैं अभी आपको ये सब यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज नहीं। चलिए तो क्या रिव्यू बात की जाए इसके की फॉर्म की, तो यहाँ पे हमें जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया इसमें की हमें कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है। इसके साथ हमें दो की ऑफर की जाती हैं। बात की जाए पीछे की तरफ हमें होंडा का लोगो, यहाँ पर आपको सेंसर वाली की देखने को मिल जाती है। आपको अगर दिखाऊँ कि क्या कुछ है इसमें, क्या कुछ नहीं, यहाँ से आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये राइड हो जाएगी। जैसे अभी तो ये लॉक हो गई है, तो अगर आपको इसको अनलॉक करना तो अब ये ग्रीन हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये जैसे आपने कभी पार्किंग में इस गाड़ी को अपनी मतलब स्कूटर को खड़ा कर रखा है, अब आप देखना चाहते हैं ये कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, तो ये जो बटन आपको देखने को मिलता है इसको आप प्रेस करेंगे कि आगे पीछे के चारों इंडिकेटर एक साथ में जलने लगेंगे। अगर इंटीरियर की इसकी बात की जाए मतलब इंटीरियर क्या सब तो ओपन ही है, तो यहाँ पे कुछ ये सब हमें देखने को मिलता है। अगर स्टार्ट की बात की जाए यहाँ से आप सीट को ओपन कर पाएंगे समथिंग, अभी तो ये ऑफ है। यहाँ पे आप इसको मतलब ऐसे आपको ऑन करना है जैसे नॉर्मल अपनी चाबी वाली होती है, तो वहाँ पे चाबी लगा के थोड़ा अंदर प्रेस करना होता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी आपको सब कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर आप कुछ करेंगे लॉक, ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको मीटर सभी कुछ जलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आपको इसका की सेंसर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको इसकी लाइटिंग, ये रहा चेक इंजन, यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ इस तरह का हमें ऑडोमीटर देखने को मिल जाता है, मतलब स्पीडोमीटर आप बोल सकते हैं। अगर इंडिकेटर की बात की जाए तो यहाँ पे इंडिकेटर कुछ इस तरह के ब्लिंक करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको LED लाइट का सेटअप देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमें वाइट कलर की LED ऑफर की गई है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ORVM ऑफर किए जाएंगे, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा इसी वीडियो में कि आपको एसेसरीज़ का पार्ट है ये आपको इसमें कंपनी फिटेड देखने को मिलेंगे या कहते मिलेंगे बताऊँ आपको बताऊँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इंडिकेटर का सिंबल जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का चलता है। बाकी यहाँ पे आपको इसकी पासिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको की, यहाँ पे इसकी बीप हो गई, यहाँ पे आपको इसका इग्निशन ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पे रेस, यहाँ पे आपको पीछे का ब्रेक, यहाँ पे समथिंग आगे का ब्रेक कुछ यही होता होगा। तो अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हैंगिंग देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे पॉलीथीन मार्केट में कुछ भी थैला वगैरह टांग के आप आराम से अपना कर पाएंगे। यहाँ पे आपको टायर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है कि कौन से टायर में आपको कितनी एयर रखनी है। बाकी यहाँ पे कुछ देखने को मिलता है, शायद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर शायद बैटरी वगैरह देखने को मिलती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कि कुछ दो इस तरह की प्रोवाइड कराई जाती हैं। और यहाँ पे जैसे आप सोच रहे होंगे दो चीज़ें ये भी, इसका क्या काम है, इसका काम ये होता है यहाँ पे बाई चांस इसको ओपन किया जाता है कि बाई चांस आपके पास अगर की वगैरह आपकी डाउन हो गई तो यहाँ पे एक स्विच मिलता है उसको आप आराम से ओपन कर पाएंगे।
तो ये सब स्विच इसके लिए होता है। बाकी ऑल ओवर होगा। सीट की बात की जाए तो यहाँ पे हमें सीट कुछ कितनी बड़ी सी देखने को मिल जाती है। और अगर यहाँ पे देखें क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको जो स्विच देखने को मिलता है, यहाँ पे आप जो आपको देखने को मिलता है सीट एंड फ्यूल, यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे सीट पे ले आएँ, तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ करेंगे तो सीट ओपन होगी। जैसे कि सीट की अगर बात की जाए तो इसमें आपको कुछ बूट स्पेस इतना देखने को मिलता है, कितने लीटर का कितना नहीं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसके अंदर आपको फर्स्ट एड बॉक्स देखने को मिलता है, ये आपको कुछ ORVM ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपको मतलब जो स्पेस मिलता है वो आपका हाफ फेसिंग वाला हेलमेट रखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको टूल किट भी देखने को मिलती है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई, एक यहाँ पे लगा एक यहाँ पे लगाया। बाकी सीट हाइट कुछ इतना कुछ मिलता है, जो भी आपको बूट स्पेस होगा वो नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। चलिए करते हैं इसको बंद। अब अगर फ्यूल की बात आती है तो फ्यूल कहाँ से पड़ता, तो इसको आप करना होगा ऊपर के लिए। फ्यूल गेज ओपन हो चुका है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसके फ्यूल वाला सिस्टम, इसको आप ओपन करेंगे आराम से ओपन हो जाएगा। यहाँ से करेंगे बंद, बाकी हो गया बंद। अब अगर स्कूटी को आपको लॉक करना है तो आप यहाँ पे लाएंगे, स्कूटी लॉक हो गई। अगर आप देखना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी ऑन है, कैसे आपको ऑफ़ करना है। यहाँ पर आपको अपनी की उठानी है और इसको प्रेस करना है। अभी रेड है, ग्रीन हो गई मतलब हो गई, अब यहाँ पे लॉक हो गई थे। आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, तो आप इसको प्रेस करेंगे अनलॉक के लिए, अनलॉक होगी तो अभी तो लॉक है, अनलॉक हो गई थी। आप यहाँ से इसका यूज कर पाएंगे काफ़ी आराम से। यहाँ पे जैसे की है तो यहाँ पे अभी अनलॉक है, लॉक करेंगे तो ये आप प्रेस करेंगे, ग्रीन हो गया, ये आपको जलते हुए दिखेंगे लॉक अनलॉक दोनों पोजीशन में। तो ये हो गई है कि मैंने आपको ये मैंने जैसे कि आपको बताया था, इससे जब आप लॉक करेंगे अभी तो मतलब अनलॉक है, तो आपका ये स्विच आराम से घूम रहा है। जैसे कि आप इसको अगर लॉक कर देंगे तो ये स्विच आपका काम नहीं करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आप इसको अनलॉक करेंगे अनलॉक हो गया तो तुरंत ये आपका वर्क करने लगेगा। जैसे कि इसमें आपको मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप समथिंग सीट वगैरह ऐसी कहते ओपन होती कहते नहीं, अभी हम चेक करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको फ्यूल गेज इसका देखने को मिलता है। और अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या इंजन इसमें देखने को मिलता है, क्या कुछ हमें माइलेज प्रोवाइड कराया कंपनी ने, क्या कुछ नहीं। यहाँ पे अगर इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको 109.51 cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम पावर 7.73 BHP की मैक्सिमम पावर 8000 RPM प्रोवाइड कराती है। यहीं पे अगर टॉर्क की बात की जाए तो आपको इस स्कूटर में 8.90 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 5500 RPM पे देखने को मिल जाता है। और तभी लोग जानते हो कि इसमें ट्रांजिशन क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। यहीं पर अगर माइलेज की बात की जाए समथिंग इसमें आपको 50 KMPL का माइलेज देखने को मिल जाता है। बाकी आपके ऊपर चलाने की बात रही कि आप कहते चलाते हैं कहते नहीं, उसी हिसाब से आपको माइलेज इस स्कूटर में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कर्व वेट की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 105 kg का कर्व वेट देखने को मिल जाता है। इसकी अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 110 cc का इंजन देखने को मिलता है, तो इस स्कूटर में आपको 85 KMPH की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। मैंने आपको टायर साइज़ आपको बताया, आगे पीछे आपको दोनों तरफ ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कुछ पीछे इस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया गया है। जैसे आप TVS के स्कूटर में देखें तो कुछ में आपको सीट के नीचे अंडर सीट देखने को मिलता है, कुछ में आपको पीछे की तरफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। यहीं पर अगर रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो इस स्कूटर में आपको 1.3 लीटर का रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। एंबिशन स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको BS6 Phase 2 देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको E20 का स्टिकर देखने को मिलता है। यहाँ पे मतलब 20% आप एथेनॉल यूज कर सकते हैं, बाकी 80% आप अपना पेट्रोल यूज कर पाएंगे। इस हिसाब से इसका थोड़ा माइलेज वगैरह अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर ब्रेक व्हील एंड सस्पेंशन की बात की जाए तो इस स्कूटर में आपको फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक और रियर सस्पेंशन, यहाँ पर आपको 3-step एडजस्टेबल सस्पेंशन ऑफर किया गया। ब्रेकिंग टाइप यहाँ पर आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। फ्रंट
एंड रियर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। जैसे अगर ब्रेक्स की साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पे हमें दोनों तरफ 130 mm के ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे आपको आगे पीछे दोनों तरफ व्हील्स ऑफर किए गए हैं जो कि आपको अलॉय देखने को मिलते हैं। बस थोड़ा साइज में फ़र्क है, फ्रंट व्हील आपको 12 इंच का देखने को मिलता है और रियर व्हील आपको 10 इंच का प्रोवाइड कराएगा। इसी के साथ टायर साइज भी आपको कुछ फ्रंट का 90x90 और रियर का आपको 90x100 देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। इसी के साथ डायमेंशन एंड चेचिस की बात की जाए तो इस स्कूटर में आपको 105 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर सीट हाइट की बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको सीट दिखाई थी, यहाँ पे आपको 692 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 162 mm, इसी के साथ ओवरऑल लेंथ यहाँ पे 1833 mm देखने को मिल जाती है। अगर ओवरऑल विड्थ की बात की जाए जो कि आपको देखेंगे तो यहाँ पर मतलब विड्थ भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, 697 mm। इसी के साथ ओवरऑल हाइट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1156 mm की हाइट देखने को मिल जाती है। इसी के साथ अगर व्हील बेस की बात की जाए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको व्हील बेस भी 1260 mm का ऑफर किया गया है। चलिए ऑल ओवर तो मैंने बता दिया। इसमें अगर मैनुफैक्चरिंग वारंटी की बात की जाए तो इसमें आपको स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या फिर 36,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर की गई है। जैसे कि अब आप लोग सोच रहे हैं यार माइलेज वगैरह मैंने आपको बताया था, इसके प्राइसिंग क्या रहेगी, मतलब प्राइसिंग भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। जैसे कि कुछ लोग यार कमेंट करते हैं कि इसमें आपको ये बताइए कि सर्विस और मेंटेनेंस क्या रहता है, क्या नहीं। जैसे इसकी फर्स्ट सर्विस है वो तो आपकी 750-1000 किलोमीटर पर होती है, और डेज वाइज बात की जाए तो यार समथिंग 15 से 30 दिन के अंदर आपको करानी होती है। और अगर सेकेंड सर्विस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 5500 से 6000 किलोमीटर पर करानी होती है, और डे वाइज बात की जाए तो यहाँ पर आपको 165 दिन या 180 दिन का टाइम मिलता है। और थर्ड सर्विस यहाँ पे आपको 11,500 से 12,000 के आसपास करानी पड़ती है। तो अगर डे वाइज बात की जाए तो समथिंग 350 या 365 दिन के अंदर। बाकी फोर्थ एंड फाइव तो वही रहती जैसे जैसे चलती है, समथिंग 1000 या 700 किलोमीटर के आसपास आपको करानी होती है, जैसा मोबिल पड़ता है उस हिसाब से करानी पड़ती है। तो अगर इसके प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो ये स्कूटर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये है अपना एक्टिवा की बोले तो स्मार्ट की एच स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ स्कूटर आता है। इसकी अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ये स्कूटर आपको 82,324 रुपये का पड़ जाता है एक्स शोरूम, और अगर यहाँ पे ऑन रोड प्राइसिंग की बात की जाए तो ये स्कूटर आपको 98,204 रुपये का पड़ जाता है ऑन रोड बीसलपुर में। और ये प्राइस मैं आपको उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के बीसलपुर के बता रहा हूँ। और आप लोग अगर इस स्कूटर के ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी के जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मैं चेक करके आपको आपके सिटी के ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। और जैसे कि जहाँ तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ का एड्रेस है बीसलपुर में जहाँ मैं रहता हूँ, तो बीसलपुर स्टेशन रोड होंडा कुंती शोरूम, तो यहाँ पे आपको ये इस स्कूटर को और भी कलर और भी वेरियंट आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, बाकी फाइनेंस का क्या चार्ज रहता है क्या नहीं और मैं आपको इसी वीडियो में कवर कराऊँगा। इससे मीटर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको PGM F5 फ्यूल इस तरह का मीटर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ से आपको ऑल ओवर मैंने दिखा दिया। बाकी अगर फाइनेंस की बात की जाए तो मैं अभी आपको फाइनेंस के बारे में भी यहाँ पे बताऊँगा कि आपको कम से कम इसका कितना डाउन पेमेंट करना होगा, कितना नहीं, कैसा क्या मिलता है कैसा नहीं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर आप स्कूटर लें या बाइक लें, कोई भी XYZ बाइक लेते हैं तो आप फाइनेंसर की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि यहाँ पर ऑफिस बना हुआ है फाइनेंस का, जैसे कि जो भैया यहाँ फाइनेंस करते हैं, भैया हैं, भैया का वेलकम है यहाँ पर। भैया क्या नाम है आपका? राघव गुप्ता नाम है भैया का। भैया यहीं लोकल से ही बिलोंग करते हैं। जैसे कि भैया का कहना नाम XYZ होंडा या XYZ आप फोर व्हीलर या बाइक्स किसी भी कंपनी की हो, सब भैया फाइनेंस कराते हैं। भैया कौन से बैंक से हैं? जैसे आप सुन रहे हैं HDFC बैंक से हैं। तो जैसे कि नॉर्मल आप बताइए मुझे, अगर किसी बंदे को ये स्कूटर फाइनेंस कराना है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, कितना डाउन पेमेंट करना होगा? मतलब 15,000 रुपये में भी दे देंगे अगर कस्टमर का सिविल अच्छा है। वो सिविल पर मतलब अब डिटेल में मैं समझाता हूँ। जैसे आपको XYZ ये गाड़ी लेनी है, समथिंग 1,03,000 की आपको पड़ रही है, जो भी इसमें एक्सेसरीज वगैरह लगता है, ये मैं सबकी कॉस्ट में बता रहा हूँ। देखिए भैया ने बताया 20,000 आपको लाना है, 20,000 डाउन पेमेंट करना, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आना है और इसको ले जाना है। जैसे कि आपने एक स्कीम बताई थी, अगर HDFC का कस्टमर है, अगर उसके घर में ऑफर आ रहा है, प्राइस का एक ऑफर होता है, हाँ, उस ऑफर पे हम आपको ये गाड़ी मात्र 3,000 या 4,000 रुपये दे देंगे। अच्छा, मतलब 1,00,000 से अंदर की कोई भी गाड़ी है तो 0 डाउन पेमेंट पे दे देंगे। और जैसे कि 20,000 देने के बाद इसका EMI वगैरह क्या बनती है? EMI आपकी ऐसी बनेगी, अगर आप 36 साल का केस करवाते हैं 3,262 रुपये की, 3 साल में 3,262, 36 महीने तक। अगर आप 2 साल करवाते हैं तो आपका 4,444 रुपये, यानी 4 टाइम 4,
और अगर 18 महीने करवाते हैं 5,632 रुपए की ईएमआई बनेगी। अगर आप जितना कम टेनर रखते हैं उतना कम ब्याज जाता है, जितना अगर आप 36 महीने रखवाएंगे तो उतना ज़्यादा ब्याज। अच्छा, जैसे नॉर्मल बंदे पूछते हैं इसका क्या बोला जाता है, ब्याज क्या जाता है? ब्याज इसका लगभग अब कस्टमर सिविल पे भी डिपेंड करता है, हाँ, और जो करंट में स्कीम चल रही है उस पर डिपेंड है। ऐसे इस टाइम तो 8-9 के समथिंग जा रहा है हमारा। 8-9 के समथिंग, तब तो खैर सही है। जैसे कि 1% जाता है कस्टमर का। जैसे कि आप होंडा के अलावा एक्स वाई जेड और भी कंपनियों की बाइक्स आती हैं, सभी कराते हैं आप बाइक्स एंड फोर व्हीलर? टू व्हीलर। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर फाइनेंसर की भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे जो भैया ने डिटेल वगैरह दी इस हिसाब से आपको पड़ जाएगी। और आप इसके अलावा कोई भी बाइक या स्कूटर लेना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको सभी कुछ फाइनेंस हो जाएगा। तो आज की वीडियो का मोटिव मेरा यही था, जो कि मैंने आपको दिखाया था होंडा एक्टिवा, यहाँ पर जो स्कूटर था आप देख सकते हैं स्मार्ट की वाला। तो वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।